अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए अंडा मगज़ की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ, जो खाने में और बनाने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि फ़ौरन बन जाता है और लेडीज़ लोग को और क्या चाहिए, बस जितना जल्दी किचन का काम निपटाना और फ्री होना। तो इसको एक बार ज़रूर बनाएं आप, इंशाल्लाह मेरे बताए ट्रिक पे ही बनाएं तो आपका भी अंडा मगज़ उतने ही टेस्ट आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अंडा मगज़ बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए देख लेते हैं। यहाँ मैंने 5 अंडे लिए हैं, आप अपने फैमिली के हिसाब से ले लें। और यहाँ एक बड़े साइज़ का ऑनियन मैंने कद्दूकस कर लिए है, और एक बड़े साइज़ का एकदम बारीक पतला पतला एकदम टमाटर काट लिए हैं, और धनिया पत्ती और 2 हरी मिर्च। और यहाँ मैंने मसालों में क्या क्या लिए है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, और ये 1/2 चम्मच के भी करीब छोटी इलायची का पाउडर। चलिए बनाते हैं। यह मैंने गैस में एक पैन रख लिया है गर्म होने के लिए। इसमें 4 से 5 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। आप जो तेल इस्तेमाल करते हो कुकिंग में वो आप ले सकती हैं। यहाँ मैंने तेल गरम हो गया है, देखिए छोटा थोड़ा सा जीरा, तो चटक जाए, उसके बाद फिर ये प्याज सब्जी पीस किया था। हल्का सा प्याज थोड़ा सा 1 मिनट भून लेते हैं, ये झटपट से बन जाती है। कोई अगर अचानक गेस्ट आ गए या अपने ही सब्जी दिल नहीं कर रहा, थोड़ा कुछ नॉन वेज खाने का दिल कर रहा है, तो झटपट से बन जाती है ये अंडा मगज। और ये हल्के मसाले भी हेल्दी भी होते हैं। फटाफट मैं 1 मिनट हो गया है ऑनियन डाले हुए, अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। और ये हमारे जो मसाले मेंशन किए थे वो ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। 5 से 4 मिनट इसको भून लेना। मसाले पड़ते ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो 5-6 मिनट अच्छे से भूनना टमाटर, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तब तक। हमारा टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, तो 1/2 सी हरी मिर्च थोड़े ऊपर से डालने के लिए मैं रखूँगी, और थोड़ी सी धनिया ऐड करूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी इसको। ये बहुत ही टेस्टी होता है नागरिन, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। हल्के से बस इसी चम्मच से 2 चम्मच के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच के करीब और डाल देती हूँ।
गैस को एकदम मीडियम, गैस को एकदम मीडियम फ्लेम में रखना है। इस तरह बीच में गुड साइड करके मसाले ये एक को अच्छा से सावधानी से इसको डालना है एक एक करके। गैस को मीडियम ही फ्लेम में रखना है। तेज आंच देने से क्या होगा, अंडे हमारे जो वो बिखर जाएंगे। अब इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर एक चम्मच ले ली हूँ और 2 से 4 चुटकी छोटी इलायची का पाउडर, और मैं इसको अच्छे से डालूंगी जर्दी में। थोड़ी सी हल्की सी छोटी इलायची, हल्के से थोड़ा थोड़ा सा नमक जर्दी में, क्योंकि मिलनी चाहिए ना वो, क्योंकि उसमें पड़ेगा नहीं। और बस थोड़ी सी धनिया पत्ती, हरी मिर्च, और एक टूथपिक लेके इसको मैं बस यूं थोड़ा सा हिला दूंगी। इससे हमारी जर्दी में अच्छे से नमक मसाला फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। बस हल्के हल्के से ये करना, गैस को एकदम लो फ्लेम में रख के 5 से 6 मिनट पका लेते हैं इसको ढक के। देखिए हमारा अंडा पक चुका है, यहाँ मैंने ढक के इसे 5 से 7 मिनट तक पका लिया है। इसको अलग कर लेते हैं, देखिए खुद ब खुद अलग हो जा रहा है क्योंकि एक एक करके डाले हैं ना। ऐसा कर देते हैं इसको अलग अलग, चम्मच लगाना है खुद ब खुद अलग हो जाएगा। हमारा अंडा मगज बन के बिल्कुल रेडी है। बस इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। अंडा मगज बन के बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर वगैरह, और इसका देखने ही में कितना लाजवाब लग रहा है। झट से बन भी जाता है, और बस अलग कुछ खाने का दिल किया, कुछ बना लिया थोड़ा फौरन और खा लिया। एक बार आप ज़रूर बनाएं इसे, और कैसा लगा मुझे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।